आप नहीं बना सकती बेटा, ये देखिए हमारे सारे पेजेस हैं, और ये हमें चाहिए ग्लू, और हमें चाहिए ये स्केल, और हमें चाहिए एक सीजर्स, और अब हम बनाएंगे गुडी बैग्स। और मैंने अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। यहाँ पे आप देख रहे हैं हम बना रहे हैं चार्ट पेपर के गुडी बैग्स, अनाया की बर्थडे पे जो बच्चे आए थे उनको गिफ्ट देने के लिए। ये जो आपको बैग्स हैं ये थोड़े छोटे लग रहे होंगे साइज़ में, मगर यकीन जानिए ये बहुत बड़े थे। अच्छा, ये बैग्स मैंने किस तरह बनाए, ये बॉक्सेस, इसके लिए ना आप यूट्यूब पर बहुत से ट्यूटोरियल मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कलर प्रिंट्स निकलवा लिए हैं यूनिकॉर्न वाले। अब इन कलर प्रिंट को मैं कट करूँगी और इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी और फिर इसको बांध दूंगी। तो ये 6 बॉक्सेस मैंने तैयार कर ली हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम इस तरह का प्रिंट आउट कट करके इन बॉक्सेस के ऊपर लगा देंगे, और इस तरह देखें कितना खूबसूरत ये यूनिकॉर्न गुडी बैग बन गया है। तो ये 6 बॉक्सेस जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए थे। ये अगर आप बाज़ार से ख़रीदेंगे तो यकीनन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं गुडी बैग्स, और आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने पड़ते हैं। तो इस तरह आप ख़ुद भी घर में बना सकते हैं। और ये है हमारा सारा डेकोरेशन का मटेरियल। ये हैं जी बलून्स, ये नए बलून्स आए हैं ग्लिटर वाले, और ये फॉइल बलून वाले थे। तो ये हमारे पास गोल्डन और पिंक बलून्स थे। असल में जो हमारी बर्थडे पार्टी की थीम है, अनाया की बर्थडे पार्टी की थीम, वो हमने रखी थी पिंक गोल्डन यूनिकॉर्न बर्थडे थीम। ये है जी दीवार जो आपको नज़र आ रही है, इस वॉल को हम डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्टन्स लग गए हैं, और ये जो है बर्थडे बैनर हम रेडी कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे कर्टन्स के ऊपर अटैच करेंगे। ये कर्टन्स जो हैं ये भी डेकोरेशन की शॉप्स पे, जो बर्थडे डेकोरेशन का सामान की शॉप होती है, वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ मेसन जार्स, और इन जार्स को रेडी करने के लिए मैंने ये ग्लिटर टेप्स यूज़ की थी पिंक और गोल्डन कलर में, और ये बहुत ही खूबसूरत जार्स तैयार हो गए थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल के ऊपर बर्थडे बैनर लग चुका है, और अब हम बनाएंगे गुडी बैग्स पैक करेंगे। अनाया, आपको ये आइडिया कैसा लगा था गुडी बैग्स बनाने का? बहुत अच्छा मामा, ने ना यूनिकॉर्न रेजर्स ने और चीज़ें ली और अंदर डाल दी। यूनिकॉर्न थीम थी ना आपकी बर्थडे की, इसलिए ना मैंने यूनिकॉर्न रेजर्स लिए थे हर बच्चे के लिए, और बॉक्स के अंदर डाल दिए थे। अच्छा। जिसमें से एक बॉक्स आपको मिला था और एक हसन को, है ना ना? अच्छा जी, अब ये 6 बैग्स हैं, और इसके अंदर हमने 6 यूनिकॉर्न रेजर्स डाल दिए हैं, ताकि बच्चों को फील आए कि हाँ हम तो यूनिकॉर्न बर्थडे पार्टी में आए थे। और जब बच्चों को ये गुडी बैग्स मिलते हैं जिनमें कैंडीज़ होती हैं, यहाँ पे हमने 3 चीज़ों से इनको फिल किया था, एक थी कैडबरी डेयरी मिल्क, और पर्क चॉकलेट, और एक्लेयर्स। तो बच्चों को जब एक इस तरह का बैग मिलता है तो वो बहुत खुश होते हैं। अब हमने यहाँ पे 6 का फॉइल बलून भी अटैच कर दिया है, क्योंकि अनाया की ये कौन सी बर्थडे थी? 6 बर्थडे थी अनाया की। अच्छा जी, अब ये आप देख रहे हैं कि हमारे गुडी बैग्स को मैंने, आपने ना इनको पंच करके इनके रिबन बांध देना है इसके। अब इसका फ़ायदा ये है कि इसे कोई बच्चा खोल नहीं सकता, और खोलने से पहले देख नहीं सकता कि उसके अंदर क्या है और उसे क्या गिफ्ट्स मिलने वाले हैं बर्थडे पे, जो रिटर्न गिफ्ट होते हैं। और ये आइडिया जो है ये बहुत ही अच्छा है गुडी बैग्स बनाने का। अब यहाँ पे जी हमने बलून्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, पिंक और गोल्डन बलून्स के फ्लावर बनाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि हमारी केक यही थी, थीम भी यही थी। अच्छा जी, अब ये ना मैं अपना एक जो इंग्लिश टी हाउस पे होता है ना कपकेक्स के लिए स्टैंड, उस तरह वाला स्टैंड जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसके स्क्रूज़ आते हैं इसके साथ स्टैंड के, तो वो आप देख रहे हैं फाइनल लुक इसकी क्या निकलती है अटैच करने के बाद। और यहाँ पे फॉइल बलून्स रेडी करके हमने फ्लोर पे रखे हुए हैं, जिनको अब हम डेकोरेट करेंगे। और अनाया को अपनी बर्थडे डेकोरेशन कैसी लगी थी ये अनाया खुद बताएगी। ये बहुत ही प्यारी थी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी काम डेकोरेशन का हो चुका है, और ये सबसे पहले आपने वॉल जो है ना बैक, जो बैक वॉल है बर्थडे के लिए, जो हमने बैकड्रॉप डिज़ाइन करना होता है, वो करना है रेडी। उसके बाद जी मैंने एक जुगाड़ किया था, मैंने क्या किया था, टेबल सेटिंग के लिए अपने 2 दुपट्टे यूज़ किए थे, जो कि थे शॉकिंग पिंक और एक्वा कलर में। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमने टेप से मेरा एक शॉकिंग पिंक दुपट्टा सेट कर दिया था। यहाँ पर आप वॉल भी देख सकते हैं डेकोरेट हो चुकी है, और एक्वा कलर के दुपट्टे से मैंने उसकी फ्रिल्स बना दी थी कॉमन पिन्स की मदद से।
तो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया शेयर कर दिया कि अगर जो आपकी बर्थडे थीम है उस कलर के दुपट्टाज आपके पास पड़े हुए हैं तो आपने बाज़ार से एक्स्ट्रा खर्चा करने के बजाय उन्हीं दुपट्टों से अपना टेबल सेट कर लेना है। और उसके ऊपर जो है ना मेन टेबल के ऊपर वो हमने बटर पेपर से रेडी किया था। अब आप देख रहे हैं जी हम टेबल की सेटिंग करना स्टार्ट कर दी है। ये गुडी बैग्स जो हैं वो मैं जिन पेपर शीट्स के ऊपर रख रही हूँ वो मैंने विक्टोरिया स्टोर से लिए थे। ये पेपर मैट्स होते हैं जो आपको विक्टोरिया से मिलेंगे। क्योंकि हमारी थीम जो थी वो शॉकिंग पिंक या पिंक थी इसलिए हमने टेबल पे सारा पिंक बटर पेपर लगा दिया था और दुपट्टा भी पिंक था जिससे मैंने इसकी सेटिंग की थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो है वॉल वो डेकोरेट हो गई है और टेबल भी ऑलमोस्ट रेडी है। और यहाँ पे हसन को भी आप देख सकते हैं। ये जो मेसन जार्स हैं ये वही जार्स हैं जो जैम के अचार के हमारे घर में खाली पड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम बजट में DIY कर ख़ुद से चीज़ें रेडी करके घर में एक ऐसी लुक देने की कोशिश की कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश हों और बच्चों को लगे कि भाई ये तो हमारे लिए एक आइडियल एक फेरी टेल में बच्चे एंटर हो जाते हैं जब वो इस तरह की डेकोरेशन देखते हैं। और यहाँ पे अनाया का बर्थडे केक भी आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत था और हसन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। अनाया को गिफ्ट्स मिल रहे हैं उसकी फ्रेंड की तरफ से और अनाया गिफ्ट्स रिसीव करके वहीं पे टेबल पे रखी जा रही थी। और अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ और मैं अनाया के केक के ऊपर रख रही हूँ उसकी कैंडल्स। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मार्शमेलोज ली थी मैंने डिफरेंट कलर्स की जो कि बाज़ार में इजीली अवेलेबल हैं और उनको मैंने शास्त्रिक स्टिक्स पे लगाकर इन जार्स के अंदर सेट कर दिया था। तो ये हमारा जो बर्थडे है वो सेलिब्रेशन स्टार्ट होने लगी है और अनाया अपना बर्थडे केक कट कर रही है। थोड़ी अनाया कन्फ्यूज़ हो गई थी अनाया आप? यस कन्फ्यूज़ हो गई थी बर्थडे केक काटते हुए, मगर आपको खुशी हुई थी? बहुत खुशी। ऊंची बताओ ना। बहुत खुशी की। और यहाँ पे अनाया ले रही थी सेल्फीज। और अब जी खाना लग चुका है। खाना मैंने आपको प्रिपरेशन व्लॉग में बताया था कि सिर्फ बारबेक्यू था। ये चटनियाँ जो हैं ये मैंने खुद घर में तैयार की थी, नान थे, सैलड थी और बहुत ही सिंपल सी ये बर्थडे हमने अनाया की घर में कर ली थी जो कि अनाया ने और हम सब ने बहुत इंजॉय की। और ये अनाया को एक बर्थडे केक गिफ्ट मिला था और अब अनाया बताएगी जी उसे क्या क्या गिफ्ट्स मिले। अच्छी तरह बताना है अनाया आपने की तरह। इधर आप देख रहे हैं कि मैं गिफ्ट्स निकाल रही हूँ। ये जो आप स्लेट देख रहे हैं ये मेरी दोस्त ने गिफ्ट किया जो दूसरी है, और दूसरी जो एक है वो उस और दूसरी एक मेरी नानो है जिन्होंने मुझे एक ये बड़ी वाली ब्लू वाली डॉल गिफ्ट किया, और एक मेरी एक और दोस्त ने मुझे एक वो कलर्स गिफ्ट किए। और मेरे जो एक मामू है उन्होंने मुझे ज़्यादा चीज़ें दे दी जो मैं संभाल सकती थी। उन्होंने डायरी दी और साथ कलरिंग बुक और कलर्स थे। और बहुत ज़्यादा गिफ्ट आपको मिले ना, है ना? यस। और आपने वो गिफ्ट संभाल के रखे हैं? यस। और अब आप अपने गिफ्ट्स को, ये आपको यूनिकॉर्न वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल गई थी है ना नया, यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री, यूनिकॉर्न डायरी, कलरिंग बुक, क्योंकि सबको पता है ना कि आपको कलरिंग सबसे ज़्यादा पसंद है। यस, मुझे ड्राइंग पसंद है। मैं केक भी बना लेती हूँ, कप भी बना लेती हूँ, जग भी बना लेती। चलें ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नाया ने अपने सारे गिफ्ट्स अनबॉक्स कर लिए हैं। आई होप आपको मेरे बर्थडे आइडियाज़ पसंद आए होंगे बर्थडे डेकोरेशन के और किस तरह हम कम बजट में बच्चे की घर में बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं और अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा फील करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।